हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फयाज और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल एफजेड एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश के लिटरेचर की एक बुक द फर्स्ट फ्लाइट का एक प्यारा सा पोयम और बहुत छोटा सा पोयम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये पोयम एक बहुत ही जाने माने राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोयम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो लाइंस लिखी हैं वो ये हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो पोयम में आगे बढ़ने से पहले हम इस पोयम की राइमिंग स्कीम को देखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर और तमाम बोर्ड्स के अंदर। तो राइमिंग स्कीम्स देखें तो ये फायर के अंदर जो वर्ड हम देख रहे हैं एंड में आई आर ई, मान लिया ये पहला वर्ड को ए हम डिपिक करते हैं और इसके आगे जहां जहां पर आई आर ई है वहां हम सेम लिख देंगे। जैसे यहां पर आई आर ई है ए लिखेंगे, यहां पर आई आर ई है ए लिखेंगे, इसके बाद नीचे तो आई आर ई नहीं दिखता। अब इसके बाद ये जो सेकेंड लाइन में हम आइस देख रहे हैं इसको बी रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये आयर नहीं आइस है। फिर यहां पर भी आइस वर्ड है, यहां पर बी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिर यहां पर आइस वर्ड है, इसको बी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। फिर लास्ट लाइन में भी सफिस के अंदर आइस है, इसको भी बी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब जो बच गया जैसे हेट, यहां पर एट ये जो वर्ड अलग है, अब इसको सी रिप्रेजेंट कर देंगे। और सेम एट यहां पर ग्रेट के अंदर है तो इसको भी सी रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी बोल चाल में जो वर्ड सेम जैसा लगे उसको सेम टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो हमारा राइमिंग स्कीम आ गया ए बी ए ए बी सी बी सी बी। अब पोयम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बताने की कोशिश है वो देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोयम के मदद से ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन के अंदर वर्ल्ड के एंडिंग को लेकर दो तरह की ओपिनियन है और वो दोनों ओपिनियन के फेवर में है, और क्यों फेवर में है उसको उन्होंने इस पोयम में डिपिक्ट किया है। तो पोयम में पोएट कहते हैं द पोएट टॉक्स अबाउट द टू डिफरेंट बिलीव्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। He says that he is in the favor of those who say this world will end in the fire, and he has seen the effect and result of uncontrolled and unending desire. तो पोएट कहते हैं कि मैं इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को लेकर लोगों के बीच जो दो बिलीफ है उस पर बात कर रहा हूं। पहला बिलीफ के मैं फेवर में हूं, जो कहता है कि ये वर्ल्ड फायर में खत्म होगा, और इसलिए फेवर में हूं क्योंकि फायर को उन्होंने ह्यूमन के अनएंडिंग डिजायर से सिंबलाइज किया है कि ना खत्म होने वाली चाहत, लालच जो होती है किसी चीज को पाने की और ज्यादा पाने की, उसको फायर से रिप्रेजेंट किया और कहा है कि ये नेचर को बहुत फास्ट डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। दूसरी तरफ उन्होंने बात की है ऑन द अदर हैंड द सेकंड बिलीफ टेल्स दैट द आइस इज सफिशियंट फॉर डिस्ट्रॉइंग दिस वर्ल्ड एंड द पोएट कंपेयर्स द नेचर ऑफ आइस विद हेट्रेड। दूसरी तरफ पोएट कहते हैं कि आइस भी बहुत सफिशियंट है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, और उन्होंने आइस को सिंबलाइज किया ह्यूमन के हेट्रेड जैसे बिहेवियर से। एज अ आइस कैन मेक अ पार्ट ऑफ बॉडी नंब विद इट्स प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट, लाइक हेट्रेड कैन ऑल्सो गिव द नंबनेस टू आवर माइंड एंड थॉट्स एंड मेक अस इनसेंसिटिव एंड क्रूएल। जिस तरह से एक बर्फ को अगर ह्यूमन बॉडी से ज्यादा देर तक टच करके रखा जाए तो ह्यूमन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा जाता है क्योंकि उसको ठंडा लगता है। उसी तरह से अगर हेट्रेड ह्यूमन माइंड्स में बैठ जाए तो होता है कि ह्यूमन क्रूएल बिहेवियर का हो जाता है, गुस्सा वाला बिहेवियर का हो जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, जो कि स्लो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है पर 100% डिस्ट्रक्शन कॉज करता है इस वर्ल्ड का और ह्यूमन वर्ल्ड का। इसके बाद पोएट ने जो सिंबोलाइजेशन तो इस तरीके से पोएट ने इस पोयम में दो नेचुरल थिंग्स को सिंबलाइज किया है, जो कि एक आपस में कंट्रास्टिंग है, फायर और आइस आपस में अपोजिट चीजें हैं, और दोनों को ह्यूमन इमोशंस से रिलेट करके इस वर्ल्ड के एंड के जो थॉट है लोगों के माइंड में उसको डिपिक्ट किया है। द पोएट सेज दैट देयर आर मेनली टू ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, एक फायर वाली और एक आइस वाली, हैव बीन यूज्ड फॉर ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेट्रेड रेस्पेक्टिवली।
एज अ फायर कैन स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कॉज अ ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन नो टाइम, लाइकवाइज अवर डिजायर मे ऑल्सो प्रूव वेरी डिस्ट्रक्टिव इफ दे गो आउट ऑफ कंट्रोल. हेटेड कॉज अ स्लो डिस्ट्रक्शन लाइक आइस बट इट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल. फायर वाली जो डिस्ट्रक्शन है जो डिजायर को लेकर है वो फास्ट हमारा डिस्ट्रक्शन करती है, और जो हेटेड वाली है वो स्लो डिस्ट्रक्शन करती है, पर एब्सोल्युटली दोनों की दोनों डिस्ट्रक्शन ही कॉज करती है. तो ये बेसिक थीम था पोयम का जो पोएट ने डिपिक करने की कोशिश की है. नाउ अगले अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर वन इज देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट हॉट दैट इज बस्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर? क्या आपने सोचा है वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा, और अगर सन बहुत ही ज्यादा गर्म हो गया या बहुत कोल्डर ठंडा पड़ गया तो क्या होगा? हाँ, ये वर्ल्ड एक दिन खत्म होगा, यस आई बिलीव समडे, बट कब होगा किसी को नहीं पता. सन बहुत गर्म हुआ तब भी होगा, बहुत कोल्डर पड़ गया तब भी होगा, दोनों ही सिचुएशन में वर्ल्ड का खत्म होना श्योर है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर द फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज. जैसा कि हमने बता रखा है फायर को मेनली डिजायर से सिंबलाइज किया है और आइस को हमारे हेट्रेड से सिंबलाइज किया है. एक फास्ट डिस्ट्रक्शन कॉज करता है और दूसरा स्लो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. इसको लेकर डिफरेंट सिनोनिम्स जो है उस वर्ड के वो यहां पर लिखे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? Rhyming scheme जैसा कि हमने poem के lines के शुरुआत में ही देखी थी. अब second question जो contrasting बात कर रहा वो भी हमने देखा कि fire और ice एक दूसरे के opposite है, लेकिन poet ने उनको world के end यानी same topic को describe करने के लिए दो अलग अलग opinion को contrasting symbolization को लिया है और वहां पर depict किया है. तो जैसा कि इसके बारे में हमने बात कर लिया है, तो ये poem यहाँ पर खत्म होता है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोस को देखने के लिए. आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे, आगे वीडियोस लाते रहेंगे. आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो अच्छा लगता है नहीं लगता है, और आपको और किस किस टॉपिक पर चाहिए ये भी जरूर बताएं. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तब तक के लिए शुक्रिया.